ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दी कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दें। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान ना जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल ना आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज़ सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज़ उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरे मत, हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें।